दोस्तों कि आप भी अपने ट्विटर अकाउंट से पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हाउ टू चैनल को देखते रहें। तो अब आपके माइंड में सबसे पहले एक ही सवाल होगा कि क्या वाकई में हम ट्विटर से पैसा कमा सकते हैं और वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। जी हाँ, 110% मैं गारंटी देता हूँ आप अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके ट्विटर अकाउंट पर जो है वो 5000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप इजीली जो है वो पैसा कमा सकते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। दोस्तों अब आपने स्पॉन्सरशिप का नाम तो सुना होगा, यानी कि कुछ ऐसे कंपनीज जो आपको फाइनेंशियली तौर पर जो है वो सपोर्ट करते हैं। अब आप यही सोचेंगे कि यार कोई भी कंपनी जो है वो हमें क्यों सपोर्ट करेगी, तो अब आपने जो है वो एडवर्टाइज का नाम तो सुना ही होगा। यानी कि एडवर्टाइज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे कि YouTube पर जो आते हैं एडवर्टाइज़र वो अपनी वीडियोस यानी कि अपनी एड्स वगैरह जो है वो YouTube पर लगाते हैं, उसके बाद जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो बिकता है। इसी तरह कंपनीज जो है वो आपको अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो भेजती हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करें अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ। उसके बाद उन कंपनीज़ को जो होता है वो बेनिफिट होता है, और वो कंपनीज जो होती हैं वो आपको आपका रिवॉर्ड भेजती हैं, यानी कि वो पैसों की सूरत में भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की सूरत में भी हो सकता है। तो अब काफ़ी लोग यही सोचेंगे कि यार अगर हमारे पास 5000 फॉलोअर्स ना हो या सब्सक्राइबर ना हो तो क्या हम फिर भी जो है वो स्पॉन्सरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं? जी हाँ। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो आपको प्रोडक्ट भेजेंगी और आप उनसे जो है वो पैसा कमा सकते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट आती है वो है फेमबिट। फेमबिट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की जो है वो कंपनीज मिल जाती हैं जो कि आपको जो है वो सपोर्ट करती है। अगर आपके जो है वो 5000 फॉलोअर्स है तो आप जो है फेमबिट को साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको जो है वो काफ़ी लोगों के साथ जो है वो कोलैब करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप किसी से कोलैब भी करना चाहते हैं तो आप फेमबिट के ज़रिए कर सकते हो। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी आप कंपनीज के प्रोडक्ट्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करके जो है फेमबिट के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपके 5000 फॉलोअर्स है तो देर मत करें, फ्री में प्रोडक्ट्स मंगवा कर उनकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और फेमबिट से पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी हमारे पास वेबसाइट आती है वो है गोस्नैप। गोस्नैप एक ऐसी वेबसाइट है जो कि सिमिलर है फेमबिट के साथ ही। इसमें भी आप जो है वो दूसरी कंपनीज को जो है वो प्रपोजल सेंड करके जो है उनसे फ्री में प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर आपके 5000 सब्सक्राइबर है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो है वो काफ़ी अच्छे जो है फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं और आपके जो फॉलोअर्स है वो एक्टिव है, तो आप इजीली जो है वो गोस्नैप से भी जो है वो पैसा कमा सकते हैं। गोस्नैप फेमबिट की तरह ही है, लेकिन गोस्नैप जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देती है और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स जो है वो आपको भेजती है। तो अगर गोस्नैप की बात की जाए तो उसमें आपको डिज्नी के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, उसके बाद मैकडोनल्ड के, और काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, कंपनीज़ है जो आपको फ्री में प्रोडक्ट्स भेजती हैं। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास वेबसाइट आती है वो है banggood.com। यानी कि अगर आप जो है छोटे यूट्यूबर है, अगर आपने जो है वो नया ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आपके पास 1000 या 2000 सब्सक्राइबर है, तो आप जो है वो banggood.com से जो है वो पैसे जो है वो इजीली कमा सकते हैं। ये एक चाइनीज़ वेबसाइट है और इसमें जो है वो किसी किस्म की जो है वो सब्सक्राइबर की जो है वो लिमिटेशंस नहीं है। तो आपके पास अगर 1000 या 2000 सब्सक्राइबर है तो आप फिर भी जो है वो इसे साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है पॉइंट्स वगैरह जो है वो साइन अप करने के 50 पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे आप जो अगर banggood.com से अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपको जो है वो काफ़ी चीप प्राइजेज में वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो banggood.com की एक ख़ास बात यह है कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट यानी कि अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्मॉल यूट्यूबर से ही करवा रही है। यानी कि एक स्मॉल यूट्यूबर है या बड़ा यूट्यूबर है, banggood.com जो है वो अपने फ्री में जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूट्यूबर्स को भेज चुके हैं, जिसके बाद ये एक वेबसाइट जो है वो काफ़ी फेमस हो चुकी है और ट्रस्टेड वेबसाइट है। आप जो है banggood.com के ज़रिए जो है वो काफ़ी प्रोडक्ट्स मंगवा कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यार हमने इन कंपनीज़ को जो है वो प्रोडक्ट के लिए जो है वो प्रपोज़ल कैसे सेंड करना है? तो प्रपोज़ल जो है अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आप जो है वो एक अच्छा सा प्रपोज़ल लिखें या किसी दूसरे से भी जो है वो लिखवा सकते हैं और इन कंपनीज़ को जो है
वो आप प्रपोजल सेंड करें। अगर वो सेटिस्फाइड हुए और आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनके मुताबिक अगर आप एलिजिबल हुए तो वो आपको जो है वो आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करके जो है वो आपको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे, जिससे जो है वो आपके फॉलोअर्स जो है उन कंपनीज के प्रोडक्ट को खरीदे। इससे ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी घटिया चीज़ का जो है वो रिव्यू अच्छी तरह से कर रहे हैं और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वो चीज़ खरीद लिया, तो इससे जो है वो आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो आपको अनसब्सक्राइब तो करते ही करते हैं। सब्सक्राइबर का यकीन जो होता है वो आप पर बना होता है वो भी टूट जाता है, तो कभी भी जो है वो घटिया प्रोडक्ट की भी जो है अनबॉक्सिंग रिव्यू ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि मैं ऐसी ही कुछ वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहता हूँ जिनसे होता है आप लोगों को बहुत सा फ़ायदा। तो उम्मीद करता हूँ एक नई वीडियो में होगी मुलाकात, अब तक के लिए चाहता हूँ आप सब लोगों से इजाज़त, गॉड ब्लेस यू।